हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? फ्रेंड, आज के वीडियो में डिप्रेशन की बीमारी, एंजाइटी की बीमारी की एस्किपिल ईटी टेबलेट के विषय पर जानकारी। इस टेबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है, इस टेबलेट में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस टेबलेट के क्या उपयोग होते हैं, इस टेबलेट के क्या डोजेज होते हैं, इस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं आदि विषयों पर आज की वीडियो में जानकारी। फ्रेंड, इस टेबलेट को कंपनी 10 टेबलेट की स्ट्रिप में बनाती है। 10 टेबलेट का मूल्य 105 रुपये होता है। फ्रेंड, इस टेबलेट को प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है। इस टेबलेट की मार्केटिंग लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी करती है, जो एक ब्रांडेड कैटेगरी की कंपनी होती है। ये टेबलेट शेड्यूल यज ड्रग की मेडिसिन होती है, जो डॉक्टर की पर्ची पर मेडिकल पर उपलब्ध होती है। फ्रेंड, इस टेबलेट में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें पहला कंटेंट्स है इटीजोलम एवं दूसरा कंटेंट्स है एस्किटालोपराम। फ्रेंड, मेनली ये दो ही कंटेंट्सों से मिलकर बनी टेबलेट होती है। फ्रेंड, इस टेबलेट के क्या उपयोग, इस टेबलेट को डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं? अवसाद एक बीमारी होती है, अर्थात डिप्रेशन आलस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या अवसाद के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन की बीमारी के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आलस्य आती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। चिंता रोगों के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। एंजाइटी न्यूरोसिस एक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। सदमे के बाद होने वाले तनाव के विकारों के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। मनोविकार एक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। मनोविकार अर्थात ब्रेन में कई प्रकार के विचार आना, विचारों के मंथन से घबराहट होना, इस प्रकार के लक्षण मनोविकारों में आते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। पेनिक अटैक एक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। पेनिक अटैक अर्थात मनोविकारों के दौरे जो 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रहते हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, और वह मरणासन स्थिति का आभास करने लगता है, उस प्रकार के लक्षण पेनिक अटैक में आते हैं, तो पेनिक अटैक के ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। मनोविकारों की बीमारियों के लक्षण जैसे बेचैन, मनोविकारों में बेचैनी आ जाती है, निराशा रहती है, विवाद रहता है, मानसिक अशांति रहती है, मानसिक थकावट रहती है, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक ऐंठन रहती है, भय लगने लगता है, भूत प्रेत देखना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं, आत्महत्या का विचार आता है, तंत्रिका दुर्बलता आती है, हिस्ट्रिया टाइप के लक्षण आ जाते हैं आदि लक्षण मनोविकारों में आते हैं, तो मनोविकारों के ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नींद संबंधित यदि विकार है, आपको नींद पूरी नहीं आ रही है या नींद टूट टूट के आ रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आकस्मिक भय एकाएक भय लगने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नर्वस सिस्टम के कारण कमर में दर्द होने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब, मनोविकारों के कारण कमर में दर्द होने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तनाव संबंधित सिर दर्द के ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। गिरवा और रीढ़ के विकारों के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। कंपन की बीमारी के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। कंपन अर्थात सिर हिलने लगता है, हाथ पैरों में कंपन रहता है, इस प्रकार के लक्षण आते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार के इस टेबलेट के बेस्ट उपयोग होते हैं। इस टेबलेट के
क्या डोजेज होते हैं या इस टेबलेट को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, इस टेबलेट को अपने डॉक्टर की सलाह पर उपयोग किया जाता है। जनरली ये नींद संबंधित टेबलेट है, इसलिए रात को सोते समय लेना लाभप्रद होता है। फ्रेंड, इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। मितली आना साइड इफेक्ट है, दस्त लगना साइड इफेक्ट है, अनिंद्रा साइड इफेक्ट है, सिरदर्द साइड इफेक्ट है, थकान साइड इफेक्ट है, स्खलन विकार साइड इफेक्ट है, राइनाइटिस साइड इफेक्ट है, उगना साइड इफेक्ट है, पेट दर्द साइड इफेक्ट है, मुँह का सूखना साइड इफेक्ट है। फ्रेंड, इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के कुछ इंटरेक्शन है। कुछ दवाओं के साथ ये टेबलेट का उपयोग करने से साइड इफेक्ट सीवियर साइड इफेक्ट होने का डर रहता है। पैरासीटामॉल मेडिसिन के साथ इस टेबलेट का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। क्लोरफेनिरामाइन मेडिसिन के साथ इस टेबलेट का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। फेंटानिल मेडिसिन के साथ इस टेबलेट का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। ट्रामाडोल मेडिसिन के साथ इस टेबलेट का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। डाइजीपाम मेडिसिन के साथ इस टेबलेट का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती। फ्रेंड, इस प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं। इस टेबलेट की कुछ सावधानी है। यदि सुसाइड अटैक है तो उस स्थिति में इस टेबलेट का उपयोग ना करें। बाइपोलर बीमारी है तो उस स्थिति में इस टेबलेट का उपयोग ना करें। यदि हृदय रोग की बीमारी है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें। लीवर रोग की बीमारी है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें। किडनी रोग है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें। पोटेशियम की कमी में इस टेबलेट का उपयोग ना करें। कैल्शियम की कमी में इस टेबलेट का उपयोग ना करें। फ्रेंड, इस प्रकार की कुछ सावधानी होती है। फ्रेंड, यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।